हमने लास्ट कहाँ तक क्लास में क्या क्या जो है वो डिस्कस किया था? मेरे ख्याल से हमने इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन साइंस टीचिंग जो है वो डिस्कस किया था, और उसके बाद जो है वो हमारे पास अप्रोचेस जो है वो रह गई थी, या डिस्कस कर लिया था अप्रोचेस को। मैम ये प्रोसेस अप्रोच ये स्टार्ट था। प्रोसेस अप्रोच, फोर्थ अप्रोच रह गई थी हमारे यहाँ। जी So today we are going to discuss about the process approach. The fourth one approach is process approach. According to Ecoboy 1999 में इन्होंने जो है वो process approach के बारे में ये कहा था कि ये साइंस को टीच करवाने का सबसे बेहतरीन वे है, बेहतरीन तरीका है, इन विच वी कैन टीच अ साइंस इन अ बेटर वे। इसके अंदर स्टूडेंट जो है वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन जो है वो चीज़ों की करते हैं, नेचुरल चीज़ों की ऑब्जर्वेशन जो है वो करते हैं, और इस अप्रोच के अंदर जो है वो तकरीबन मेजोरिटी ऑफ द क्लास जो है वो पार्टिसिपेट करती है स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी से वो बच्चा अपने आप में जो है वो बहुत अच्छा फील करेगा, अपने आप को बहुत हेल्दी जो है वो फील करेगा, लाइक इन सेंस ऑफ गेनिंग ऑफ नॉलेज। And he will also in this process or in this process approach, he will not getting bored or any other thing in their classroom. So इस method के अंदर जो है क्या चीज़ें होती है, in this method they allow student to feel the material, to touch the material, to see the material. Likewise, he or she can smell as well. जैसे मिसाल के तौर पर हम उनको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब फोटोसिंथेसिस के लिए मैं बोर्ड पर आकर खड़ी हो गई और पढ़ा दिया कि प्लांट होते हैं और वो प्लांट जो है वो लाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर मैं बच्चों के सामने वो प्लांट लेकर आ जाऊं और वो फिजिकली वो बच्चों को अवेल करके दूं, बच्चे इसको टच करें, फील करें, देखें, समझें, तो वो क्या होगा कि वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनके लिए और भी ज़्यादा जो है वो ईजी और कन्वीनियंट हो जाएगा समझने में। इस मेथड के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एक ट्रेडिशनल मेथड लेक्चर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं चाक लिया बोर्ड के ऊपर, उसको हटाकर हम लोग उसके सामने वो चीज़ें रख रहे होते हैं जो नेचुरल हो, जिससे उनका लर्निंग जो रेशो है वो क्या होगा, इन्हांस होगा, इंक्रीज होगा, और वो पहले की निस्बत जो हमारा घिसा पिटा ट्रेडिशनल तरीका है उसके मुकाबले वो ज्यादा उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी थॉट्स डेवलप होगी। प्रोसेस अप्रोच जो है वो बेसिकली इन दिस मेथड वी कैन से दैट वी अवेल फिजिकल और नेचुरल थिंग्स टू द स्टूडेंट्स।
in which they understand in more better way or proper way. Number fifth is student motivation approach. Researchers are of the opinion that quality teaching is found in the school and it's being carried out by the quality teachers who can motivate a student to learn under diverse conditions. Motivation is regarded as one of the qualities of achieving good teaching and learning in schools. Obviously, bagher motivation ke koi bhi student ko hum log teach karwane mein bahut zyada difficulty ho sakti hai. जैसे मिसाल के तौर पर कि एक बच्चा है वो क्लास में लेजी है, एक बच्चा है उसकी क्लास में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर एक बच्चा है जो कि जिसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, या उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. आप उस बच्चे को क्या करेंगे, उस चीज को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मोटिवेट करेंगे. सो स्टूडेंट मोटिवेशन किसी भी टीचर के लिए एक बेस्ट क्वालिटी होती है. वो इवन के वो टीचर ही टीचर होता है जिसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो बच्चे को मोटिवेट कर सके, उसको आमादा कर सके कि वो उस चीज को पढ़े और उसको उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करवाए. अगर बच्चे वाकई मोटिवेट होगा तो वो बहुत अच्छे से उस चीज को सीखेगा. अगर वो मोटिवेट नहीं है, वो चीज चाहे कितनी ही इफेक्टिव हो, कितनी ही क्या कहते हैं मजेदार हो, वो उसकी समझ नहीं आएगी. तो इसीलिए जो है वो मोटिवेशनल टेक्निक यूज की जाती है साइंस की लर्निंग के अंदर, और ये एक एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन है जिसके अंदर जो है वो टीचर जो है वो स्टूडेंट को सिखाने के लिए ये टूल यूज करता है. ही शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर टू क्लास सो एज टू इंकरेज द स्टूडेंट टू लर्न. ऑब्वियसली के अगर आप वो चीजें कंटिन्यूशन में रखेंगे, पंक्चुअली रखेंगे, टीचर खुद पंक्चुअल होगा, टीचर खुद उस बच्चे को मोटिवेशन के लिए जो है वो रोजाना बूस्टअप करता रहेगा उसके अंदर, तो वो ऑब्वियसली जो है उसके अंदर जो है ये ख्वाहिश पैदा होगी और वो इनकरेज होगा कि वो ये चीज सीखे समझे. मिसाल तौर पर मैं आज आपको कहती हूँ कि मुझे असाइनमेंट चाहिए, और देन एक दो दिन बाद में खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या काम किया. फिर कोई एक बच्चा उठता है, मुझे याद दिलाता है कि मैम आपने असाइनमेंट दी थी. अब उस चीज का आपके ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही रेगुलर नहीं हूँ, पंक्चुअल नहीं हूँ. ये वालेकुम अस्सलाम मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, यो बस बुधाना आज मुनी प्रेजेंटेशन आए. मोकिल A teacher should make sure the class is well controlled, otherwise teaching will be ineffective. अगर आप क्लास में अभी लड़ना झगड़ना लड़ाइयाँ करना शुरू कर दें, बातें करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि क्लास डिसिप्लिन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ineffective हो जाएगा, और क्लास के अंदर आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे. So, for that, we have to control classroom management, classroom system in which the teaching can be effectively, we can deliver our effective way of methodology.
राइट इसके बाद हम सोक्रेटिक अप्रोच बाद में डिस्कस करते हैं, भले ज़ारा की आज प्रेजेंटेशन हो जाए। इसमें से कुछ भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।